सुशांत सिंह राजपूत के केस में बंटी सचदेव से करी थी सीबीआई ने पूछताछ, जिसका गहरा कनेक्शन है रोहित शर्मा के साथ। लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती, जिसने एक महीने तक जेल की सजा काटी थी क्योंकि रिया पर आरोप था सुशांत सिंह राजपूत को निधन के लिए उकसाने का और साथ ही करोड़ों रुपए की हेराफेरी करने का। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत के निधन की जाँच में रोहित शर्मा बंटी सचदेव का नाम सामने आया था, जो कि कॉर्नरस्टोन के सीईओ भी हैं, जिससे सीबीआई ने की थी पूछताछ। आपको बता दें कि हिटमैन क्रिकेट के गलियारों में जमकर सुर्खियां चल रही है। बता दें कि बंटी सचदेव कॉर्नरस्टोन स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट कंपनी के सीईओ है। ये अब वो कंपनी है जिसके लिए दिशा सालन काम करती थी। श्रुति मोदी भी इसी कंपनी में काम कर चुकी है। इसी के साथ बंटी का कनेक्शन डायरेक्ट तौर पर खान परिवार के साथ है, क्योंकि सोहेल खान की पत्नी के सगे भाई है बंटी सचदेव। इसी के साथ आपको बता दें कि बंटी सचदेव इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा और एक्टर सोहेल खान के ब्रदर इन लॉ भी हैं। आपको बता दें कि इस बीच अब खबर आई है कि जांच एजेंसियों में रिया चक्रवर्ती का फोन क्लोन किया, जिसमें कि चौंकाने वाले खुलासे हुए। खबरों के मुताबिक रिया का फोन क्लोन होने पर कई जानकारियां सामने आई, जिसमें रिया चक्रवर्ती का ड्रग केस में इन्वॉल्व होने का नाम भी सामने आया था। तो ये है पूरी खबर, जहां पर सच आ चुका है बंटी सचदेव का। बंटी सचदेव को भी सीबीआई ने बुलाया था दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी पूछताछ के लिए, जहां पर बंटी सचदेव के साथ पूछताछ के दौरान क्या सवाल पूछे गए ये आपको बता दे। तो यहां पर सबसे पहले पूछा गया कि आखिर दिशा सालियान बंटी सचदेव को कैसे जानती थी, बंटी सचदेव के साथ दिशा सालियान का कनेक्शन कैसे हुआ, और उसके बाद दिशा सालियान का कनेक्शन सुशांत सिंह राजपूत से कैसे हुआ, जिसके बाद सुशांत की मैनेजर बनी थी दिशा सालियान। ये सारे सवाल पूछे गए बंटी सचदेव से, जहां पर बंटी सचदेव ने अपने सभी सवालों का जवाब दिया था। तो ये है पूरी खबर सोहेल खान के पत्नी के भाई बंटी सचदेव को लेकर, जिससे सीबीआई ने की थी डायरेक्ट पूछताछ दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़ी। नेक्स्ट टाइम लाइफ की रिपोर्ट।